वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नया एंजाइम प्लास्टिक प्रदूषण खाएगा। वैज्ञानिकों ने गलती से एक प्लास्टिक खाने वाले एंजाइम विकसित किया है जिसका इस्तेमाल दुनिया की सबसे खराब प्रदूषण समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है। ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय और अमेरिका के ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला एनआरईएल के शोधकर्ताओं ने कुछ साल पहले जापान में अपशिष्ट पुनर्चक्रण केंद्र में पाए गए प्राकृतिक एंजाइम की संरचना की जांच करते हुए खोज की थी। वे कहते हैं कि एंजाइम आयोडोडेलासाइकोइंसिस 201F6 पॉलिथीन तेडेफ एथलेट पीडी जो 1940 के दशक में एक प्लास्टिक के रूप में पेटेंट कराया गया था में सक्षम है और इसे लाखों टन की प्लास्टिक की बोतलों में उपयोग किया जाता है। उनका उद्देश्य इसकी संरचना का अध्ययन करना था, लेकिन उन्होंने अकस्मात एंजाइम का निर्माण किया जो पीईटी प्लास्टिक को तोड़ने में बेहतर था। एनआरईएल के प्रमुख शोधकर्ता ग्रेग बेकहम ने कहा, हम प्रोटीन इंजीनियरिंग में सहायता करने के लिए इसकी संरचना निर्धारित करने की आशा रखते थे, लेकिन हम एक कदम आगे जा रहे थे और इन प्लास्टिक्स को तोड़ने के दौरान गलती से बेहतर प्रदर्शन के साथ एंजाइम का निर्माण किया। एनआरईएल के प्रमुख शोधकर्ता ग्रेग बेकहम ने कहा, पीटी से बना लाखों टन प्लास्टिक की बोतलों के लिए खोज के परिणाम स्वरूप रिसाइकिलिंग समाधान हो सकता है जो वर्तमान में सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में कायम रहता है। पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा, पोर्ट्समाउथ में बायोलॉजिकल साइंसेज के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल और बायोमेडिकल साइंसेज के निदेशक प्रोफेसर जॉन मैकगेहन ने कहा, सेरेंडिपिटी अक्सर मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी खोज यहाँ अपवाद नहीं है। एंजाइम भी पॉलिथिलीन फूड डिकार्बोक्सिलेट या पीईएफ को पीईटी प्लास्टिक के लिए जैव आधारित विकल्प का कारण बन सकता है जिसे ग्लास बियर की बोतलों के प्रतिस्थापन के रूप में माना जाता है। पीईएफ प्लास्टिक हालांकि जैव आधारित बायोडिग्रेडेबल नहीं है और अभी भी लैंडफिल में और समुद्र में अपशिष्ट के रूप में समाप्त हो जाएगा। एनआरईएल ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में कहा है, यद्यपि सुधार मामूली है, यह अप्रत्याशित खोज से पता चलता है कि इन एंजाइमों में और सुधार करने के लिए कमरे हैं जिससे हम प्लास्टिक के त्यागने वाले प्लास्टिक के बढ़ते पहाड़ के लिए रिसाइकलिंग समाधान के करीब ले जाते हैं, मेन गेहन ने कहा। शोधकर्ताओं जिनके शोध सोमवार को प्रकाशित किए गए थे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल की प्रोसीडिंग्स में, अब वे एंजाइम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि इसे समय के एक अंश में प्लास्टिक को तोड़ने के लिए औद्योगिक रूप से उपयोग किया जा सके। पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय जोड़ा, एनआरईएल ने काम की तात्कालिकता को रेखांकित किया जिसमें कहा गया था कि पीईटी बोतल सहित 8 मिलियन मीट्रिक प्लास्टिक अपशिष्ट हर साल महासागरों में प्रवेश करते हैं जिससे मानव निर्मित द्वीपों में कचरे के निर्माण होते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक मछली के रूप में बड़े पैमाने पर सागर में ज्यादा कचरे के प्लास्टिक होंगे, उन्होंने कहा। पिछले महीने वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित 3 साल के एक अध्ययन के मुताबिक प्रशांत महासागर में कचरे का एक विशाल घूमता हुआ ढेर जो महान प्रशांत का चरा पैच के रूप में जाना जाता है अपेक्षा से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अब फ्रांस का आकार 3 गुना अधिक है टेक्सास के आकार की तुलना में 2 गुना। कुछ लोग भविष्यवाणी कर सकते थे कि 50 वर्षों के समय में पेट बोतलों जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को दुनिया भर के समुद्र तटों पर धोया जाएगा, मेन गेहन ने कहा। हम सभी प्लास्टिक की समस्या से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय जो अंततः इन आश्चर्य सामग्रियों को बनाते हैं
वे अब असली समाधान विकसित करने के लिए सभी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।